नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजोन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। संडे को जो सीटीईटी का पेपर हुआ था उसमें से आज मैं आपको मैथमेटिक्स और साइंस का आंसर की बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका पहला क्वेश्चन निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल स्ट्रेटेजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। इसका जो आंसर है आपका ये 4 नंबर का आंसर है, स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट। 32 क्वेश्चन है, 32 नंबर का, फॉर ए गिवन फिगर टू बी ए ट्रायंगल द कंडीशन दैट इट इज ए यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट इज। अभी इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी आपका 4 नंबर का है, बोथ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। उसके बाद 33 जो क्वेश्चन है उसका क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इफ एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन, बी बी इज इक्वल टू एफ एन स्क्वायर इज नॉट इवन n is not even, c if n square is even then n is even, d if n is not even then n square is not a even। इसका भी आंसर आपका निकल के आता है नंबर 2, c is a converse of a। ठीक है, फिर 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर यूजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स। अभी जियो बोर्ड है, जियो जेब्रा है, टेलर सबाकस है और टाइल्स है। इसमें से आपका जो सेकंड है जियो जेब्रा, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके लैपटॉप पे चलता है या आपके इस पे चलता है, इसलिए ये विजुअली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट है उसके लिए काम नहीं आ सकता। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें 35 का जो फर्स्ट आंसर है आपका आंसर है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ डिस्लेक्सिया इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इसका जो है ये आपका फर्स्ट आंसर है इसका। उसके बाद 37 आता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर। इसका जो क्वेश्चन है आपका 5 आंसर, इसका 5 आंसर आता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इफ इट 8-डिजिट नंबर 179x091y इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। इसका आंसर आता है आपका थर्ड नंबर जो है ये 2 आता है। 39 जो क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर आता है 4th नंबर का। बाद में 40 नंबर, इफ 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू क्या रहेगा, 0.1071। 41 का, इफ ए इज इक्वल टू माइनस 3/4 बी इज इक्वल टू 5/6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। 41 का इसका जो आंसर है -7/9। विच ऑफ सॉरी The product of 1/7 into 10^4 and 12.5 into 10^-6 is expressed in the standard form as k into 10^9 n. The value of 2k plus n is. इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर निकल के आता है 3.25। बाद में फिर टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3.5, इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 5/7। द सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है आपका 48। 44 है, 44 का आंसर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, द शॉपकीपर्स गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ 19%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी पूछा है उन्होंने, तो उसका जो आंसर है आपका वो आता है 600 रुपीज। इफ 5x - 7/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x - 3/4 प्लस 4x, देन द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 5 इज, इसका जो आंसर है आपका 45 का वो आता है 6 आता है आंसर। फिर 46 में क्या है, आपको इक्वेशंस दिए है 3 इक्वेशंस, देन p प्लस q ब्रैकेट माइनस r, इसका जो आंसर है आपका 46 का वो आंसर क्या आएगा आप बता सकते हो, ये आता है आपका फर्स्ट आंसर निकल के आता है इसका 47। इफ x^4 प्लस 1/x^4 इज इक्वल टू 332 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज,
47 का आंसर आता है आपका 3। ओके लेट्स गो। 48 का क्वेश्चन इज कुछ इस तरह से, 15x² - 26x + 8 = ax + b (close), cx + d (close), where a and c are positive integers, then what is the value of 2a + b - c - 2d? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है आपका 1 आता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ऐसे लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, और सारे पेजेस कवर करने मुझे। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इफ एबी इज इक्वल टू ईएफ, बीसी इज इक्वल टू डी एंड सीए इज इक्वल टू एफडी, देन कंसिडर करिए दो ट्राइंगल है आपके, दो ट्राइंगल का उन्होंने ये बोला है, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, एक एबीसी है और एक है आपका डीईएफ। तो उन्होंने क्या किया है, देखो उन्होंने कहा है एबी इज इक्वल टू क्या है आपका ईएफ है, एबी इज इक्वल टू ईएफ है, फिर बीसी इज इक्वल टू डीए है। तो इसका जो आंसर है आपका 49 का वो आता है 3 आंसर आता है, एबीसी इज इक्वल टू एफ ई डी। उसके बाद 50 नंबर का जो है वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालो। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं देखो, 65, 72, 97 आपको इसका क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का रूल निकाल के आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। तो इसके बाद 51 है, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन विच हैज 7 फेसेस एंड 10 वर्सेसेस इज, 51 का आंसर क्या आएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर निकल के आता है आपका 4 आंसर निकल के आता है। 52 है, 52 का आंसर, हाँ 52 पढ़ तो लेते पहले, इन ट्राइंगल एबीसी द साइड एबी इज प्रोड्यूस टू ई एंड साइड सीए इज प्रोड्यूस टू डी, इफ ट्राइंगल बीएडी इज इक्वल टू 125 एंड एबीसी इज इक्वल टू 100, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी इसमें से ये आता है क्या, नहीं ये नहीं ये नहीं, तो आपका 4th आंसर आपका सही आंसर है। उसके बाद 53 है, 53 का क्या रहेगा, इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ = SR एंड द रेशियो PQ = SR = 3/2, सॉरी ये पैरेलल है, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 cm² एंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड SR इज 12 cm, देन द लेंथ SR इज, अभी इसका क्या आंसर आएगा 53 का, 53 का आंसर आएगा आपका 32। ठीक है, फिर 54, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 × 10 cm इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ 10 cm, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। अभी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया वगैरह निकालना पड़ेगा, एरिया निकाल के फिर आपका इसका आप ये कर सकते हो। तो 54 का आंसर क्या आएगा आपका 6.16 आएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197, विच ऑफ द, व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 55 का आंसर क्या आएगा 8 सेकेंड ऑप्शन आएगा आपका। ठीक, 56, उसके बाद 57 है, 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इन मिडिल स्कूल। मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्स ऑफ डिविजन शुड बी इम्पजाइज, द अल्गोरिदम शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड, एडिशन शुड बी इम्पजाइज। इसका आंसर आता है आपका 3 नंबर। बाद में फिर है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, टू डेवलप स्टूडेंट जनरलाइजेशन एबिलिटीज, द इनकरेज टू इनकरेज सिस्टमेटिक रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट, टू मेक स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर्स ऑपरेशंस। आपका आंसर है 4th नंबर। फिर उसके बाद है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू व्यू ए प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी परस्पेक्टिव, अलग अलग
इससे उसको सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व सकता है। गेस एंड वेरीफाई द अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। उसके बाद लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग। टीचर शुड बी बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें आपका जो आंसर है ये फर्स्ट नंबर का है, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको देखना है। 60 नंबर जो है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो है आपका आंसर ये फर्स्ट नंबर का आपका आंसर है ऐसा ये। उसके बाद 61 है, टू इनकरेज द मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट। अगर आपको मैक्सिमम गर्ल्स को साइंस लेने के लिए इंकरेज करना है तो आप क्या करोगे, इनकेस एंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिन मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो, बी माइंडफुल दैट गर्ल्स अवे डोमिनेट डिस्कशन इन द साइंस क्लासरूम, इन्वाइट वुमन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम। अभी इसका जो है ये थर्ड नंबर का इसका आंसर है। साइंस टीचर नीड टू बी आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज, अभी इसका जो आंसर है वो कैसे है देखो, 62 नंबर का जो आंसर आपका आता है ए बी सी, इट सिमुलेट द डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इट डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू करेक्ट आंसर, इट हेल्प्स डेवलपिंग थिंकिंग स्ट्रेटेजीज। ये है यूजिंग डेमोस्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर इन। अगर आप डेमोस्ट्रेशन टाइप अगर कुछ दिखाते हो क्लासरूम में तो उसका आपके इसके ऊपर इफेक्ट क्या आता है, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसके बाद 64, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। आपको अगर डेंसिटी का एक कोई कंसेप्ट है आपको समझाना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, सी बी और ए, आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन ए स्मॉल बोर्ड दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट। उसके बाद आपको क्या करना है, अलो स्टूडेंट्स टू प्ले विद वॉटर इन ए टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलो स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड फ्लोट एंड सिंक, ऐसे आपको करना है। 65 नंबर है, व्हाई इज ए प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। अभी 65 का जो आंसर है वो है सेकेंड नंबर का। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अभी इसका जो आंसर है वो सेकेंड नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। जो रेशम बनाता है उसके बारे में एक क्वेश्चन है, उसका डेवलपमेंट टू कैटरपिलर, ये थर्ड नंबर का इसका आंसर है। फिर उसके बाद 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, करेक्ट मैचिंग टेस्ट का इसका जो आंसर है वो आपका आता है थर्ड आंसर आता है, ठीक है। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग सीक्रेट्स मोर देन टू हार्मोन्स, कौन से ग्लैंड्स है वो, 69 3 पिट्यूटरी ग्लैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल नॉन डक्टाइल, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल आर गैसेस। इसका जो 70 का है वो फर्स्ट नंबर का आपका आंसर है। व्हाई इज ए मैन मेड फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी व्हाई। अभी इसका अगर देखा जाए तो आपका जो सेकेंड आंसर है उसका रेयन है, रेयन सेल्यूलोज से बनता है। उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग टेबल 72 का क्या है, हाई सॉलिड हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका जो आंसर है उसका 72 का आंसर है 4 सी। स्पेसिफाई रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर स्पेसिफाइड टू एज 73 4 आर द एंडेमिक स्पेसीज, मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल 74 का आता है जेड। 75 है लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कंप्लीटली डिफ्यूज मैनर, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
75, नो इमेज कैन बी फॉर्म। कैसे होता है कि ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन रहने देते, 76 इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन ए ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। इसमें कैसा रहता है कि फोर्सेस कौन कौन से एप्लीकेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स तो क्या रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहेगा नॉर्मल फोर्स उसके ए डायरेक्शन में जाता है, और एक रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको वो जगह से निकलने के लिए उसको वो फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा। 77 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। इसका जो आंसर है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। आपका साउंड का चैप्टर से एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। आपको पता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 78 का आंसर आता है आपका फोर्थ, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइज केमिकल चेंजेस। 79 इसका आंसर निकल के आता है 1। उसके बाद 80, नीना वॉज साइक्लिंग टू मार्केट बट समवेयर ग्रोसरी द मार्केट इज 4 किलोमीटर फ्रॉम होम, शी इज ट्रैवल्स टू स्पीड ऑफ। इसका जो आंसर है 80 का, इसका आंसर निकल के आता है 6 किलोमीटर पर आवर। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वॉटर। इसके लिए क्या होगा, बॉइलिंग, डिसेंडेंसी, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। 81 का आंसर है 3 आंसर है इसका। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। 82 है, 82 का आंसर मेरे पास नहीं है, आप बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप बोल दीजिए। बाकी की जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है मैंने वो उसका आंसर कहीं नहीं निकाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।